और क्या हाल चाल दोस्तों, फाइनली आपके ह्यूज डिमांड के बाद लेके आ गया हूँ सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4। और भाई चैनल में ऑलरेडी गैलेक्सी बुक 2 एंड 3 का रिव्यू प्रेजेंट है और 4 आया तो सोचा भाई इसको भी किया जाए। और भाई लैपटॉप काफी शानदार है, प्योरली एल्युमिनियम बिल्ड है, डिस्प्ले भी एकदम झकास, बैकलिट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट रीडर है। अब सारा यही कुछ थोड़ी बता देंगे यार, पहले बॉक्स खोल लेते हैं। तो भाई ये है सैमसंग का गैलेक्सी बुक 4, ग्रे कलर में आता है यार। अब गैलेक्सी से आया तो डेफिनेटली स्पेस ग्रे तो रहेगा ही रहेगा। और भाई साहब लैपटॉप का बिल्ड एंड डिजाइन अति उत्तम, प्योरली एल्युमिनियम बिल्ड लैपटॉप है यार, जस्ट लाइक माय मैकबुक। टॉप लिड में आपको सैमसंग का बिल्कुल चमकता हुआ ब्रांडिंग देखने को मिलता है। एंड पाम रेस्ट एरिया भी आप देख पा रहे होंगे, प्योरली यहाँ पर एल्युमिनियम बिल्डअप दिया हुआ है, सो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। बैक पैनल भी प्योरली एल्युमिनियम है, एयर इंटेक वेंट्स है एंड आपको 2 ऑटोम फायरिंग स्पीकर देखने को मिलता है। और हाँ दोस्तों, रबर पैडिंग की भी क्वालिटी काफी ज्यादा शानदार है, सो दैट आपके लैपटॉप में कोई भी स्क्रैचेस ना आए। और दोस्तों लैपटॉप को बिल्ड क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है, ये दूसरे ब्रांड को सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 से जरूर सीखना चाहिए। और जाहिर सी बात है, अगर लैपटॉप प्योरली एल्युमिनियम बिल्डअप के साथ आता है तो यहाँ पर टॉप लिड फ्लेक्स हो गया, कीबोर्ड फ्लेक्स हो गया, वो तो रहता ही नहीं है भाई साहब। एंड दोस्तों लैपटॉप का वेट भी काफी ज्यादा कम है, ओनली 1.55 किलोग्राम। और भाई हिंज भी काफी ज्यादा स्मूथ है, आप देख पा रहे होंगे कोई भी यहाँ पर मेरे को जर्क नजर नहीं आ रहा है ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द लिड। एंड भाई लिड ओपनिंग के लिए पर्टिकुलर स्पेस दिया हुआ है, सो दैट यू कैन इजिली ओपन विथ योर फिंगर। एंड हाँ यार, डिस्प्ले के नीचे आपको एग्जॉस्ट वेंट देखने मिलता है फॉर द एयर आउटलेट। एंड भाई गैलेक्सी बुक 4 का फिनिशिंग देखो यार, जो यहाँ पर कर्व्ड एजेस हैं वो लैपटॉप को काफी ज्यादा एक प्रीमियम एंड प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करता है। एंड अगर आप स्टूडेंट या वर्किंग प्रोफेशनल है देन डेफिनेटली गैलेक्सी बुक 4 का डिजाइन अच्छे से सूट होगा यार। एंड दोस्तों गैलेक्सी बुक 4 में मेरे को कोई भी स्क्रीन वॉबलिंग नजर नहीं है, सो दैट्स ग्रेट यार। सो दोस्तों ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है A1 इलेक्ट्रॉनिक्स, दक्षिण गंगोत्री, सुपेला भिलाई। सो अगर आप भी दुर्ग, भिलाई, रायपुर या छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं देन डेफिनेटली कैन विजिट देयर। वहां पर आपको सभी ब्रांड्स के लैपटॉप एकदम शानदार प्राइस में देखने को मिलेगा। और भाई खासकर सैमसंग के लैपटॉप में तो आपको भारी भरकम वहां पर डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर है, डेफिनेटली कैन कॉन्टेक्ट योगेश भैया। बाकी आप इनर डिजाइन भी देखेंगे ना तो काफी थिन बेजल्स हैं। एंड अगेन आपको सैमसंग का ब्रांडिंग देखने को मिलता है इन द लोअर चेन। एंड भाई गैलेक्सी बुक 3 एंड गैलेक्सी बुक 4 के डिजाइन में मेरे को कोई भी चेंजेस नजर नहीं आए। एंड द गुड थिंग, गैलेक्सी बुक 4 में आपको फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है। एंड दोस्तों मैंने पहले भी गैलेक्सी बुक के रिव्यू में मेंशन किया था कि यहां पर जो कीबोर्ड यूज होता है वो सीजर मैकेनिज्म टेक्नोलॉजी में बनाया, तो आपको काफी ज्यादा सॉफ्ट टच प्रोवाइड करता है। एंड ऑब्वियसली की ट्रैवल कम रहता है एज कंपेयरिंग विद अदर ब्रांड्स लैपटॉप। और ओवरऑल मेरा टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा यार, मतलब टाइप करते तो आवाज भी आता है ना, वो काफी प्रीमियम लगता है भाई साहब। एंड वन न्यू थिंग, फंक्शन प्लस F11 बटन प्रेस करके आप डिफरेंट मोड में स्विच कर पाएंगे, लाइक साइलेंट मोड, क्वाइट मोड, ऑप्टिमाइज्ड मोड एंड हाई परफॉर्मेंस मोड। बेस्ड ऑन दैट आपका सीपीयू यहां पर परफॉर्म करेगा। एंड डेफिनेटली क्वाइट मोड में रखोगे तो आपको ज्यादा बैटरी बैकअप यहां पर मिलेगा। एंड भाई ट्रैक पैड के बारे में क्या ही बोलूं, वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक पैड मैं बोलूंगा अंडर द बजट ऑफ 60,000, फुली क्लिकेबल ट्रैक पैड है, एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस रहा है ड्यूरिंग द मल्टीटास्किंग वर्क। एंड मेन थिंग इज द साइज भी काफी शानदार है। पावर बटन में आपको फिंगरप्रिंट एम्बेडेड देखने को मिलते हैं, रिस्पॉन्स वाज जस्ट अमेजिंग। सो इट्स टाइम टू चेक द पोर्ट्स ऑन दिस सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट प्रोफाइल, 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, 10 Gbps का डेटा ट्रांसफर रेट है। एंड ऑब्वियसली ये लैपटॉप टाइप सी से ही चार्ज होता है। एंड द गुड थिंग, डिस्प्ले शेयरिंग भी सपोर्टेबल है यार। मैंने अपने 4K मॉनिटर में गैलेक्सी बुक 4 को कनेक्ट किया और भाई साहब काफी शानदार रिस्पॉन्स था ऑन बोथ दिस टाइप सी पोर्ट, दैट मींस दोनों ही टाइप सी पोर्ट यहाँ पर फुली फंक्शन है। 1 RJ45 पोर्ट फॉर ऑल द बिजनेस पर्सन, 1 HDMI 2.1 पोर्ट, 1 USB 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट, 10 Gbps का डेटा ट्रांसफर रेट है। ऑन द राइट प्रोफाइल यू गेट कैंसिंगटन सिक्योरिटी स्लॉट, अगेन 1 USB 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट एंड 1 3.5mm हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन कॉम्बो जैक। एंड यस, यू ऑल्सो गेट 1 microSD card स्लॉट। वन थिंग दैट सैमसंग नेवर डिसअपॉइंट इज द डिस्प्ले। यहाँ पर 15.6 इंच का फुल HD IPS LED डिस्प्ले देखने को मिलता है भाई, एंड क्या अमेजिंग क्वालिटी था यार। एंड सैमसंग तो सदियों से डिस्प्ले बनाते आ रहा है तो अच्छा ही क्वालिटी रहता है यार, 300 nits का पीक ब्राइटनेस है। एंड भाई यहाँ पर ब्राइटनेस एंड कलर गैमेट मेंशन नहीं था, लेकिन रिसेंटली मेरे पास HP 15 लैपटॉप था, वहां पर भी 300 nits का ब्राइटनेस था। तो जस्ट मैंने कंपेयर किया तो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 में मेरे को ज्यादा ही ब्राइटनेस देखने को मिला एज कंपेयरिंग विद HP 15 विच आर 300 nits ब्राइटनेस। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर 300 nits का ब्राइटनेस है एंड कलर गैमेट इज अराउंड 45% NTSC, that is 62.7% sRGB।
एंड गुड थिंग एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है तो कोई भी रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं आएगा। एंड बहुत लोग मेंशन किए थे भाई कि आईपीएस लेवल पैनल है कि आईपीएस पैनल है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पर प्योरली आईपीएस पैनल यूज हुए हैं। एंड भाई ये लैपटॉप के डिस्प्ले में कोई भी कलर शिफ्ट नहीं हुआ, आई ट्राइड विद ऑल द डिफरेंट एंगल्स। एंड दोस्तों आपके म्यूजिक लिसनिंग एंड मूवीज वॉचिंग में चार चांद लगा देता है इसका 2 वॉट का 2 डॉल्बी ट्यून स्पीकर, काफी शानदार क्वालिटी था यार एंड डेफिनेटली यू कैन एंजॉय इट। एंड आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, वहां से आप न्यूमरस कस्टमाइजेशन कर पाएंगे बिटवीन द म्यूजिक मोड, मूवी मोड एंड ऑल्सो द गेमिंग मोड। बट स्टिल नो अपग्रेड इन द गैलेक्सी बुक 4, वो है इसका वेबकैम यार। स्टिल हमको 720 पिक्सल का HD वेबकैम देखने को मिलता है विद डुअल एरे इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन, LED इंडिकेटर एंड नो प्राइवेसी शटर। गाइस दिस इज द वेबकैम एंड माइक सैंपल ऑफ सैमसंग गैलेक्सी बुक 4, आप देख पा रहे होंगे काफी अच्छे से ऑटो फ्रेम करना है। बट गुड थिंग गैलेक्सी बुक के वेबकैम में आपको स्टूडियो इफेक्ट देखने को मिलता है, यहाँ से आप डिफरेंट फेस इफेक्ट एक्सप्लोर कर पाएंगे लाइक सटल, स्मूथ, स्ट्रॉन्ग, कस्टम एंड ऑल्सो द डिफरेंट बैकग्राउंड इफेक्ट लाइक ब्लर, कलर एंड ऑल्सो यू कैन चेंज द बैकग्राउंड इन टू द इमेज। भाई इसका ऑटो फ्रेमिंग फीचर काफी अच्छा लग रहा है, लाइक आप चेयर से इधर उधर खिसक विसक के वेब कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आपको अच्छे से ऑटो फ्रेम कर देता है। भाई बहुत हो गया लैपटॉप की सुंदरता, आप देख लेते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। मेरे पास जो गैलेक्सी बुक 4 है इसका मॉडल नंबर आपके सामने है एंड ये वाले वेरिएंट में ना इंटेल का लेटेस्ट कोर 5 120U प्रोसेसर है, टोटल 10 कोर एंड 12 थ्रेड, 10 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर है एंड 8 इफिशियंट कोर। एंड भाई यू सीरीज का प्रोसेसर है तो 15 वॉट का बेस TDP रहता है। अब बहुत लोग यहां पर कमेंट करेंगे भैया हम तो इंटेल का i5 13th Gen 1335U लेने का सोच रहे थे, और भाई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन वाइज इंटेल कोर 5 120U एंड इंटेल i5 13th Gen 1335U दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, नंबर ऑफ कोर्स, थ्रेड्स ऑल आर सेम। इवन आपको कोर 5 120U में ना 0.4 GHz का ज्यादा बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है एंड यहाँ पर ना इंटेल ग्राफिक्स देखने को मिलता है। वही हम i5 13 जन वाला गैलेक्सी बुक 4 लेते हैं वहां पर इंटेल आयरिस XE ग्राफिक्स देखने को मिलता है। एंड दोस्तों मैंने इंटेल आयरिस XE एंड इंटेल ग्राफिक्स को कंपेयर किया तो कोई भी डिफरेंस नहीं है भाई, 1.25 GHz का ही ग्राफिक्स फ्रीक्वेंसी है एंड एग्जीक्यूशन यूनिट भी सेम देखने को मिला, दैट इज 80। सो भाई दोनों प्रोसेसर सेम ही है, जो मन करे वो आप ले सकते हैं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन कोर 5 120U इज द लेटेस्ट वन फ्रॉम इंटेल कोर सीरीज सेगमेंट। 8GB LPDDR4X RAM देखने को मिलता है विद 4 to 6 7 MHz ऑनबोर्ड RAM है, सो आप डेफिनेटली अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो भाई ये चीज ध्यान रखना जब आप लैपटॉप ले रहे हैं तो 16GB RAM प्रीफर करें इंस्टेड ऑफ 8GB, क्योंकि 2024 में 8GB कहीं ना कहीं बॉटल निक के सिचुएशन क्रिएट करते ही है। जो RAM यूजेस रहता है वो 97 to 98% तक भी टच कर जाता है यार। 512GB का Gen 4 SSD यहाँ पर दिया हुआ है एंड SSD का रीड एंड राइट स्पीड मेरे को थोड़ा कम लगा भाई साहब। बाकी यहाँ पर SSD के 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है, मैक्सिमम 1 TB तक SSD लगा पाएंगे इन Samsung Galaxy Book 4। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी यहाँ पर है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.2। एंड भाई सबके मन में जरूर ख्याल आता है कि MS Office है कि नहीं, सो यस ये लैपटॉप में भी आपको MS Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2021 का लाइफटाइम लाइसेंस सपोर्ट मिलता है। बाकी दोस्तों सैमसंग का लैपटॉप है तो यहाँ पर गैलेक्सी बुक एक्सपीरियंस करके सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है, यहाँ पर आप डिफरेंट एप्स एंड सर्विस एक्सप्लोर कर पाएंगे लाइक सैमसंग अकाउंट, सैमसंग नोट्स, क्विक सर्च एंड डेफिनेटली आप सैमसंग इकोसिस्टम में है तो इजिली डेटा ट्रांसफर के साथ साथ यहाँ पर मल्टी कंट्रोल यूटिलिटी भी यूज कर पाएंगे, सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ सैमसंग इकोसिस्टम। सो इट्स टाइम फॉर द बेंचमार्क, दैट मींस द शक्ति प्रदर्शन ऑफ दिस सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। सिनेबेंच R23 में 1784 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला एंड मल्टी कोर स्कोर इज 6705। कोर्स मेरे को थोड़ा कम लगा यार एज पर इंटेल कोर 5 120U प्रोसेसर, आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, बट इंटेल i5 13th जन का मैं स्कोर देख रहा था वहां पर अराउंड 8000 का स्कोर था। एंड गीकबेंच 6 में कुछ हमको ऐसा स्कोर देखने मिला एंड ओपन शेल स्कोर निकल के आया 12221। 3D Mark 10 का भी स्कोर डिसेंट था एज पर इंटेल ग्राफिक्स, दैट इज 1383 एंड PC Mark 10 में 5299 का स्कोर देखने मिला, दैट मींस इजीली आप ये लैपटॉप में मल्टीटास्किंग वर्क कर पाएंगे। एंड भाई यहां पर मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा, इजीली यहां पर 4K एडिटिंग हो जा रहा था 1 से 2 लेयर वाला, दैट मींस इजीली आप यहां पर YouTube वीडियोस हो गया, Instagram रील्स हो गया, सभी एडिट कर पाएंगे यार। एंड टाइमलाइन में भी ना ऐसा कोई भी थ्रॉटलिंग नहीं था, एकदम स्मूथ टाइमलाइन था। मैंने यहां पर कुछ कलर करेक्शन किया, टाइटल्स वगैरह ऐड किए, ट्रांजिशन लगाए एंड 1 मिनट का टाइमलाइन बना के रेंडर किया तो इजीली 3 मिनट्स में रेंडर कर दिया, दैट इज ओके एज पर 4K टाइमलाइन यार। बाकी भाई डिस्प्ले इतना शानदार है तो आराम से यहाँ पर आप ग्राफिक डिजाइनिंग वाला वर्क हो गया, फोटोशॉप वाला वर्क हो गया इजीली कर पाएंगे एंड मैंने भी रन करके देखा, ऑल थिंग्स वर्क जस्ट स्मूथ। एंड इवन जो कोडिंग करने के लिए लैपटॉप देख रहे हैं अंडर द बजट ऑफ 50,000 दैट डेफिनेटली गैलेक्सी बुक 4 विल बी द परफेक्ट ऑप्शन। लेकिन हाँ दोस्तों एकदम भी ग्राफिक्स इंटेंसिव वर्क नहीं कर पाएंगे लाइक ब्लेंडर हो गया, 3D मॉडलिंग, अगर आपको वो सब
वर्क करना है देन डेफिनेटली आप गेमिंग लैपटॉप प्रीफर करो। एंड रिसेंटली मैंने 3 मेजर गेमिंग लैपटॉप रिव्यू किया है, दैट इज लेनोवो लॉक, एसर एएलजी एंड एसुस टफ। वो वीडियो जरूर देख लेना इफ यू वांट टू डू ग्राफिक्स रिलेटेड वर्क। अब भाई गेमिंग करने का मन तो सबको करता है ना, भले ही वो थिन एंड लाइट लैपटॉप क्यों ना हो। तो यहां पर मैंने GTA 5 गेम प्ले किया इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड डिफॉल्ट सेटिंग। इजीली मेरे को 45 का एवरेज फ्रेम रेट देखने को मिल रहा था और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। 15 वॉट का बेस टीडीपी रहता है तो वही 14.5-14.7 के आसपास ही टीडीपी फ्लक्चुएट कर रहा था एंड टेम्परेचर भी मेंटेन था, 60-65 डिग्री से ज्यादा नहीं जा रहा था। एंड ओवरऑल आराम से कैजुअली गेम प्ले कर पाएंगे इन सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। एंड मेरे पास जो वेरिएंट है ये 8GB रैम वाला है, अगर आप 16GB रैम के साथ लेंगे देन डेफिनेटली आपको 10-15 FPS ज्यादा ही देखने को मिलेगा इन GTA 5। देन नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया वैलोरेंट, दैट इज सीपीयू इंटेंसिव गेम, फुल एचडी रिजोल्यूशन था एंड लो सेटिंग। एंड भाई वैलोरेंट में इजली 120+ FPS देखने को मिल रहा था एंड टेम्परेचर भी वही 65-66 के अराउंड फ्लक्चुएट कर रहा था। एंड लैपटॉप में सच कोई थ्रॉटलिंग नहीं हो रहा था ड्यूरिंग द गेम प्ले, क्योंकि रैम का फ्रीक्वेंसी अच्छा है, SSD भी अच्छा ही है, जेन 4 भले स्पीड कम है बट ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन अच्छा ही था ड्यूरिंग द गेम प्ले ऑन दिस गैलेक्सी बुक 4। एंड ये सभी लैपटॉप में हाई इंटेंसिव गेम आप प्ले नहीं कर पाएंगे लाइक RDR2, फार क्राई 6, क्योंकि वहां पर नीड रहती है ग्राफिक्स की। एंड मैंने प्ले करके देखा है यहां पर प्ले नहीं हो पाया। एंड गैलेक्सी बुक 4 ना i3 13th gen के साथ भी आता है तो वो भी काफी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है अगर आपका बजट है अंडर 40,000। गैलेक्सी बुक 4 में 54 वॉट आवर का बैटरी दिया हुआ है एंड शानदार बैटरी बैकअप था भाई साहब, इजिली 7-8 hours का बैटरी बैकअप देखने को मिला ड्यूरिंग माई कॉन्टेंट कंजप्शन। इंटरनेट से कनेक्टेड था, ब्राइटनेस भी फुल था एंड वॉल्यूम भी 50% में था, उसके बावजूद इतना अच्छा बैटरी बैकअप, दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। एंड डेफिनेटली आप मिड लेवल का वर्क करेंगे तो इजिली 5-6 घंटे का बैटरी बैकअप तो मिलेगा ही मिलेगा। एंड यस 45 वॉट का टाइप सी अडाप्टर दिया हुआ है तो टाइप सी से लैपटॉप इजिली चार्ज हो जाता है, दैट मीन्स यू डोंट नीड टू कैरी एनी एक्स्ट्रा अडाप्टर फॉर योर डिवाइसेस। सो डेफिनेटली आप स्टूडेंट एंड वर्किंग प्रोफेशनल है जो सुबह से जाते हैं शाम को आते हैं और एक अच्छा बैटरी बैकअप के साथ लैपटॉप चाहिए, देन डेफिनेटली गैलेक्सी बुक 4 विल बी द परफेक्ट फिट फॉर यू। एंड इन टर्म्स ऑफ थर्मल, 1 fan के मॉड्यूल के साथ गैलेक्सी बुक 4 आता है यार, प्योरली मेटल बिल्ड है एंड ड्यूरिंग द गेम प्ले मेरे को कोई भी हीटिंग इश्यूज नजर नहीं आया, टेम्परेचर भी अंडर कंट्रोल था, 65-66 से ज्यादा जा ही नहीं रहा था। सो सैमसंग ने काफी अच्छा यहाँ पर थर्मल मेंटेन किया है इन द थिन एंड लाइट सेगमेंट लैपटॉप। एंड इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 विद इंटेल कोर 5 120 प्रोसेसर अभी 68,000 में लिस्टेड है एंड गैलेक्सी बुक 4 विद इंटेल i5 13th gen 1335U वो आपको भी 65,000 के अराउंड मिल जाएगा एट फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन बोथ। बट ये लैपटॉप को मैंने टॉप प्रायोरिटी में इसलिए रिव्यू किया है क्योंकि भाई आ रहा है फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डे सेल एंड अमेजोन का ग्रेट इंडिया फेस्टिवल से, लिटरली भाई ये लैपटॉप 50,000 के अंडर अवेलेबल हो जाता है आफ्टर अप्लाइंग ऑल द बैंक डिस्काउंट। सो दैट्स द मैजिक ऑफ सैमसंग गैलेक्सी बुक 4। एंड जो सैमसंग गैलेक्सी बुक 4 विद i3 13 जन वेरिएंट है ना, वो आपको अंडर 40,000 इजली अवेलेबल हो जाएगा ड्यूरिंग द फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल, तो वो लैपटॉप के साथ भी जा सकते हैं अगर आपका बजट थोड़ा कम है। तो देखो भाई डेफिनेटली आप ये लैपटॉप के साथ जाइए, अगर आप स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है या इवन जिनको ट्रेडिंग वगैरह करना है ना, उनके लिए भी शानदार लैपटॉप रहने वाला है क्योंकि यहां से आप दो दो डिस्प्ले कनेक्ट कर पाएंगे। एंड द गुड थिंग, ये लैपटॉप प्योरली एल्यूमिनियम बिल्ड है, डिस्प्ले भी शानदार है, फिंगरप्रिंट रीडर है, फुली बैकलिट कीबोर्ड है, भाई और क्या चाहिए यार ये प्राइस पॉइंट में। और भाई ये लैपटॉप को मैं पिछले 1 वीक से यूज कर रहा हूँ, प्रॉपर यहाँ पर आपके जितने भी क्वेरीज थे कवर कर दिए हैं वीडियो में, अगर और भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन भर दो भाई, डेफिनेटली आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो यस इन सिंगल वर्ड, डेफिनेटली कैन गो फॉर गैलेक्सी बुक 4, बट नोट दैट 16GB रैम लेना इंस्टेड ऑफ 8GB रैम। एंड डेफिनेटली जब बिग बिलियन डेज आता है और ये लैपटॉप का जो प्राइसिंग रहता है वो 100+1% जस्टिफाई करता है। तो आई होप दोस्तों आपको गैलेक्सी बुक 4 का डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल में ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब, जल्दी हमको 50K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी अमेजिंग रिव्यू के साथ, टिल देन टेक केयर एंड वेरी goodbye to all of you.